तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई के बारे में, और पावर बीआई के बारे में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे पावर बीआई में डेटा को कनेक्ट करते हैं, किस तरह से हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो रिपोर्ट्स को बनाने से पहले हमें जरूरत है, और जरूरत है कैलकुलेशंस की, कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे डेटा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में हमने लास्ट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाया कि कैसे प्लस माइनस जोड़ घटाव जो होता है, गुणा भाग जो होता है, हम करेंगे इसमें। और किस तरीके से हमने आपको बताया था कि अगर आपको एक फंक्शन है जो मोस्टली एक्सेल के फंक्शन ही होते हैं, उस फंक्शन को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन की। तो वर्कशीट फंक्शन में हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन। आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। लॉजिकल फंक्शन के क्या इस्तेमाल है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो लॉजिकल फंक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले इफ फॉर्मूले की। तो डेटा हमने कनेक्ट कर रखा था, उसी डेटा पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि ये डेटा है हमारा, अब मान लीजिए हमारा टोटल है, हमें इस पे इंसेंटिव देना है, राइट। तो इंसेंटिव हमें देना है, तो हमें इंसेंटिव देना है जो ग्रेटर देन जिसने 300 का सेल किया है, उसको मैं यहाँ पे 1500 रुपए की इंसेंटिव देना चाहता हूँ। तो मैं न्यू कॉलम पे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं INC कुछ भी दे दीजिए, इंसेंटिव पूरा लिख दीजिए, और फिर मैं कंडीशन देता हूँ इफ। जैसे एक्सेल में इफ फॉर्मूला था, ऐसे यहाँ आप इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इफ टोटल टोटल इज ग्रेटर इक्वल टू 300, तो यहाँ पे हमें 5000 आ जाए, अदरवाइज 0 आ जाए। समझे नहीं, ये ग्रेटर देन 300 सो 5000 कुछ रिवर्स नहीं हुआ क्या? नहीं, जैसे कि हमने बोला कि अगर टोटल कॉलम में अगर 300 से ऊपर की अमाउंट है, तो यहाँ न्यू कॉलम जो हम INC के नाम से ऐड कर रहे हैं, वहां पे 5000 है, अगर 300 से नीचे है तो 0 शो। समझे? हेलो कल्पेश जी, सॉरी सागर जी, आवाज आ रही है आपको? सागर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी। समझ में आया फॉर्मूला आपको इफ का? हाँ, फॉर्मूला समझ में आया, बट मैं वही पूछ रहा हूँ कि टोटल है हमारा सेल है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, हाँ। तो टोटल अगर 300 या उससे ऊपर है तो हम 5000 रुपीज इंसेंटिव दे रहे, राइट? हाँ। तो कुछ ज्यादा हो रहा है ना, अगर 300 है तो हम इंसेंटिव तो सेल से कम ही होता है, राइट? सर, 300 क्वांटिटी है, और दूसरी बात क्वांटिटी है क्या? हाँ, क्वांटिटी है। दूसरी बात सर, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन से हमें जेब से देना है सर, खुश होने दो यार। हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी। इमेजिंग करे तो कुछ बड़ा इमेजिंग करे। जी यार, एक क्वेश्चन आपने नहीं पूछा था, इससे पहले भी हमसे पूछा था। हमने एक डेटा, ऐसी सैंपल डेटा बना रहे थे, एक बच्चे एक बंदे का नाम लिखा जो क्लास ले रहा था, उसकी सैलरी हमने 85000 ली थी। बोलता सर 50000 सैलरी कहाँ मिलती है, वैसा सोचना है तो सोचो क्या। जी हाँ, ये समझ लीजिए कि हमें किसी कंडीशन को चेक करते हुए अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एक रिजल्ट देना है, वो रिजल्ट हमारा भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। हाँ, अगर ये भी अगर मान लीजिए 0 कर दिया, मुझे देना है कि नहीं, जिसके 300 से नीचे है उनको मैं 500 इंसेंटिव देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ 500 लिख देंगे, तो जिनको 300 से नीचे वो 500 आ जाएगी। जी हाँ, तो इफ कंडीशन इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है? हाँ। अब दूसरी इसमें बात ये होती है कि मान लीजिए कि मुझे इसमें देना है कि जिसकी सेल्स 100 से 200 के बीच में है, उनको 500 देना है, बाकी को 0 देना है। अब यहाँ पे जो हम जो इंसेंटिव देना चाहते हैं वो बिटवीन है,
तो बिटवीन है, तो बिटवीन में कैसे करेंगे चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम एंड का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन है, दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन के लिए हमने एंड इस्तेमाल किया, दोनों रिक्वायर है। तो हमने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और फिर कॉमा दिया और बोला कि यहाँ पे टोटल इज लेस देन इक्वल टू 200। अगर ऐसा हो तो 5000 का इंसेंटिव आए, 500 का इंसेंटिव आए, अदरवाइज 0 है। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन होगा तो मल्टीपल कंडीशंस में आप क्या करेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मल्टीपल कंडीशन अगर ट्रू रिक्वायर्ड होता है तो इसका इस्तेमाल करना है। अब इसके एक और एग्जांपल दे सकते हैं, डेटा बनाना पड़े, सिंपल सा डेटा बनाना पड़े। मैं छोटा सा डेटा बनाता हूँ, मैं यहाँ पे पर्सन्स के नेम देता हूँ और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स देता हूँ, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, राइट, 4 सब्जेक्ट देता हूँ और यहाँ पे मैं नेम एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्कोर मैंने के मार्क्स देता हूँ, 20 से लेके 90 के बीच में मार्क्स आए हैं। और इस पे हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। सर एक मिनट में पूछना था, ये आपने पूजा ये नाम कैसे किए रैंडमली यहाँ पर, ये मैं उस दिन भी पूछ रहा था, उस दिन मैंने आपकी वीडियो में देखा पावर क्वेरी के, ये नेम में रैंडम नाम कैसे आया? बेसिकली मैंने इसमें फाइल के अंदर होता है कस्टम, ये होता है एक एक्सेल ऑप्शन होता है, उसमें कस्टम बिजनेस में बना रखा है। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे अब ये करता हूँ, डेस्कटॉप फोल्डर में रिपोर्ट नाम का एक फाइल बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं पावर बीआई में इसको कनेक्ट करता हूँ, गेट डेटा यहाँ पे डेटा फॉर्म एक्सेल रिपोर्ट एंड ओपन। सीट 1 और हमने इसको किया से और यहाँ पे मैं लोड कर दिया। तो हमारा रिपोर्ट ऐड हो गया, तो बंद करता हूँ यार। अब रिपोर्ट हमारे पास आया हुआ है, इसमें क्या है सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे रिजल्ट देना है, मुझे पता लगाना है, एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, इसमें मुझे शेयरिंग दिखाना है कि कितने परसेंट पास किए और कितने परसेंट फेल किए। तो मैं यहाँ मॉडलिंग में जाता हूँ, न्यू कॉलम्स और यहाँ पे मैं देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट्स में मैं यहाँ पे देता हूँ पहले एंड का फॉर्मूला देता हूँ एंड और बताओ कि सब्जेक्ट 1 सीट 1 सीट 1 का सब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, बल्कि 40 हमारा पासिंग है। okay. वापस सीट सब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉम, फिर यहाँ पे सीट ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 30 40 था ना, माफ कीजिएगा, यहाँ 40 और यहाँ भी 40 एंटर मारिए। अभी हमने सिर्फ एंड लगा दिया तो रिजल्ट में एरर आया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। टू मेनी आर्गुमेंट प्लीज एंड फंक्शंस मैक्सिमम आर्गुमेंट, अच्छा अच्छा इसमें 2 से ज्यादा आर्गुमेंट लगाया जा सकता है।
चाहिए सर, ये एक्सेल कितना नहीं है सर, मैं दो से ज्यादा सकते हैं, लेकिन मुझे दो से ज्यादा चाहिए, तो फिर वापस मैं एक और एंड लगाया और इसमें हम लॉजिकल टू लगा देते हैं, दूसरा लॉजिक लगा देते हैं कि सब्जेक्ट सीट में हमने देते हैं सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 सर, और एक है ना बाकी चार है हमारे, हाँ चार है, चार एक और एंड लगा देंगे हम, या इसका कोई अल्टरनेट मुझे ढूंढना होगा तो हम बताएंगे आगे इसकी कोई अल्टरनेट, तो यहाँ पे हम देते हैं सी, इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं। थोड़ा वियर्ड है एक्चुअली, यहाँ पर होना चाहिए था मल्टीपल कंडीशन, क्यों दो पर रिस्ट्रिक्ट किया इन लोगों ने, हर चीज की नकल नहीं कर सकता ना सर, प्रॉब्लम होती है, हर चीज की नकल नहीं कर सकता, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पर, इसकी जगह पर मुझे पास और फेल चाहिए था, तो जस्ट मैं यहाँ कंडीशन ऐड कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ट्रू, ट्रू नहीं क्योंकि ट्रू फॉल्स पे लॉजिक चलता है, तो आपको ट्रू फॉल्स देने की जरूरत नहीं है, पास और फेल आ गया ना आपका यहाँ पे, उसके बाद मैं रिपोर्ट में आता हूँ, एक नई शीट को ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना डेटा शीट से डेटा बनाता हूँ, शीट हमारा या मान लीजिए कि हमारा ये रिपोर्ट है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है इस हर शीट के लिए अलग करें, आप इसको ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए शीट 1 पे गया और मैंने इसको ए ले लिया और मैं रिजल्ट्स को ऐड कर दिया, ठीक है, और रिजल्ट्स में नेम डाल दिया। अब इसमें दिक्कत आ गया कि ओके नहीं, यहाँ पे रिजल्ट लेजेंड में आ गया, ऐड डेटा डिटेल्स, ऐड डेटा डिटेल्स में भी रिजल्ट को हम डाल देते हैं, वैल्यू वैल्यू तो ये हमारा 79% फेल है और 20% हमारा पास है, समझ आया क्या सर? जी हाँ जी हाँ। तो इस तरह से हम रिपोर्ट में कई सारे मल्टीपल शीट से भी रिपोर्ट को यहाँ डाल सकते हैं, बट रिलेशनशिप अगर नहीं होगी तो फिर फिल्टर्स अप्लाई, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो देखिए सीट इफेक्टेड हुआ, मान लीजिए मैंने पर्सन 16 को सिलेक्ट किया है, तो पर्सन 16 में आप देख रहे हैं इसको ए भी है, ए सिलेक्टेड है, ए सिलेक्टेड है, इफेक्टेड है, पर ए इफेक्टेड नहीं है क्योंकि इस चीज का कोई आपस में लिंक नहीं है, तो मल्टीपल शीट पर जब काम हम रिलेशनशिप करते हैं आगे क्लासेस में समझाएंगे। आपने समझा इफ फॉर्मूले, हेलो कमलेश जी, हाँ हाय सर, आज जो है सागर पवार जी आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, सागर पवार जी के साथ आपके साथ क्लासेस चलेगी, अब ये आ गए थे तो मेरे को पढ़ा रहा था मैं, इसकी रिकॉर्डिंग में आप ठीक है चलो लीजिए, ठीक है हाँ ठीक है। तो इफ और एंड फॉर्मूला हम लॉजिकल फॉर्मूले पे डिस्कस कर रहे हैं सर, तो इफ और एंड फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है, और इफ एंड फॉर्मूला के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है और फॉर्मूले, ओके, तो और फॉर्मूले में अब यहाँ जैसे कि मान लीजिए हम दूसरे डेटा पे आते हैं, डेटा पे आते हैं, अब इसमें मेरे पास डेट है तो मुझे इसमें एक वीकेंड्स का कॉलम चाहिए, मुझे देखना है कि वीकेंड्स में कितने सेल्स हुए हैं, राइट, तो मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ, न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं वीक एंड कर दूंगा, वीकेंड में मैं यहाँ पे हमने बताया था आपको कि हम फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हम डालेंगे सेल्स डेट एंड सेल्स डेट, डेट हो गया इसमें कॉमा और यहाँ पे हम दे देते हैं तीन बार डीडी आ जाएगा, ओके, तो ये तो सिर्फ सैटरडे एंड संडे देगा ना आपको, लेकिन मुझे इस पे तो वीकेंड चाहिए, तो मैं यहाँ पे और का फॉर्मूला लगाऊंगा, बोलूंगा कि और अगर ए इक्वल टू सैटरडे है,
क्योंकि और वहां पे लगता है जहां पे ऑप्शनल हो, जाहिर सी बात है कि एक डेट खाया तो सैटरडे हो सकती है या संडे हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकता ना सर, या एंड नहीं लगेगा, अगर एंड लगता है तो दोनों होना चाहिए। यहां पे हमने संडे कर दिया, एंटर मारिए तो आपके सामने ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट आया, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वीकेंड्स और वीकडे। तो इसके आगे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे देंगे कि यहां पे आना चाहिए वीक एंड, फिर आना चाहिए हमारा वीक डे। यहाँ पे देखिए वीकडे वीकेंड वीकेंड, जहां जहां सैटरडे संडे था वहां पे वीकेंड आ गया, जहां पे सैटरडे संडे नहीं था वहां पे वीकडे आ गया। क्लियर है? हाँ सर। विदाउट इसमें तो हम इफ के साथ इफ कर लिए, एंड कर लिए और कर लिए, राइट सर? जी हाँ। अब इसमें दो चीजें हैं, इफ एरर। अब चलिए एरर को पढ़ते हैं कि इफ एरर क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये हमारा डेटा वन ही है, इसमें हमारा ये चीज दी गई है। अब मुझे क्या है कि जो इंसेंटिव मिला है, जो इंसेंटिव आपको मिला हुआ है, इस इंसेंटिव को मुझे जो है इस एक मिनट 300 कर देता हूं, इंसेंटिव मिला हुआ है हमारा। अब मुझे क्या करना है कि इस इंसेंटिव से हमें ये लगाना है कि भाई ओवरऑल कितना इंसेंटिव मिला, क्योंकि इसने जैन फे मार्च जून तक सेल 6 महीने तक सेल किया, 180 दिन सेल किया है, तो पर डे इसका इंसेंटिव क्या है। तो मैं यहां पे 180 को डिवाइड कर देता हूं इसके इंसेंटिव से, तो यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे आप जीरो देख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे तो हमारे नंबर्स आ गए और कहीं पे देखिए ये आ गया आपका एरर। क्यों आया? ये डिवाइड जो है जीरो से हुआ है, ये एरर है। मान लीजिए फॉर्मूला आपका, आपको पता है कि आपका फॉर्मूला एरर देगा, तो जाहिर सी बात है उस एरर के जगह पे हम यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहते हैं। एक्सप्रेशन इन वेरिएंट डेटा टाइप कैन नॉट यूज द डिफाइंड कॉलम, आई थिंक जीरो करना पड़ेगा। जीरो नहीं करना पड़ेगा, ये कुछ और बता रहा है, सर जीरो करके देख सकते हैं, जीरो पे भी एरर, हाँ जीरो ही होगा, माफ कीजिए, इसमें टेक्स्ट वैल्यू नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्योंकि सर एक्सेल के साथ सर बहुत सारा डिफरेंस है ना सर, इफ एरर एक्सेल में तो सिंपली कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्सेल आपको यहाँ ये नहीं देना है, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, हमने क्या किया यहाँ पर? पहले तो हम बेसिकली क्या है कि मुझे जो इंसेंटिव आता है उसको 5000 से मुझे डिवाइड करवाना था, तो मैं ये बता रहा था आपको, जस्ट बता रहा था कि अगर आपके डेटा में एरर आता है तो एरर के जगह पे एरर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि एरर तो यहाँ आपके चार्ट पे दिक्कत करेगा ना सिर्फ यहाँ पे, तो मुझे एरर को रिमूव करना होगा, तो एरर के जगह पे कुछ और देने के लिए हम इफ एरर यूज कर रहे थे। तो हमने आपको बताया कि जैसे 5000 से अभी मैंने अपने इंसेंटिव को इंसेंटिव से डिवाइड किया, तो कुछ इंसेंटिव जीरो थे, तो जीरो से किसी किसी को डिवाइड नहीं की जा सकती ना सर, इसमें करेक्ट, तो एरर आया, तो इस एरर के जगह पे जीरो शो कर दिया, ठीक है। आगे जो किसी भी तरह का एरर होगा तो उस पर हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, तो ये लॉजिकल फंक्शन है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांस लॉजिकल फॉर्मूला।